सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई, जिसमें मैं आप सभी को सरारे की फुल कटिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी लाइनिंग है और ये मेरा मेन फैब्रिक है, तो हमें सारी कटिंग इसी पर करनी है। तो सबसे पहले हमें जो अपनी मार्किंग करनी है और कटिंग करनी है वो हम अपने लाइनिंग पर करेंगे। तो हमें सबसे पहले कपड़े को इसी तरह से फोर फोल्ड कर देना है। तो जो शरारा हम बनाते हैं उस वो दो पार्ट में कट होता है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो हमें सबसे पहले इसको फोर फोल्ड करना है और अच्छी तरह से इसको कपड़े को बिछा लेना है, और फिर ऊपर के साइड से हमें जो हमारा नीफा होता है उसकी मार्किंग करनी है। तो हमने 2.5 इंच के लिए यहाँ पे मार्किंग करनी है, फिर उसी जगह से जहाँ से हमने इसकी मार्किंग की है 2.5 इंच की, तो फिर 2.5 इंच के बाद में हम 14 इंच का मार्क करेंगे, जो कि हमारे आसन की लंबाई का निशान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमें अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग करनी है। तो जितना भी हमारा वेस्ट होगा उसका हम फोर्थ पार्ट निकालेंगे और उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। हमने 4 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड है। तो फिर उसके बाद में हम यहाँ नीचे के साइड में इसमें जो मार्क कर रहे हैं ये हमारे हिप के अकॉर्डिंग होगा। हिप को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे प्लस उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। फिर लाइन को मिलाने के बाद में हिप की जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ हम आगे 2 इंच का मार्क कर देंगे और इस पर हमें कर्व शेप दे देंगे। बिल्कुल, अगर आपके पास कर्व वाली स्केल होगी तो आप कर्व वाली स्केल से भी इसमें मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब जो हमारी थाइज होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 13.5 इंच लिया है और ऊपर वाली लाइन को मिला के इसको कट कर लिया है। तो हमारे ऊपर वाले पार्ट की कटिंग होगी। अब मैं इसको 20 से भी अलग कर लूँगी। तो इसको जब मैं 20 से अलग कर दूँगी तो हमें जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है तो उसका दोनों पार्ट निकल आएगा। तो यहाँ पे हमें 2 पल्ले मिलेंगे। अब उसके बाद में हमारे ऊपर वाले जो शरारे की पार्ट होती है वो मैंने कटिंग हो चुकी है। अब हमें नीचे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो जो हमारा कपड़ा बच रहा है उसको हम रेक्टेंगल शेप में इस तरह से बिछा लेंगे। इसकी कटिंग मैं चुन्नट के लिए कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चुन्नट चाहिए तो आप ज़्यादा फैब्रिक भी ले सकते हैं इसके लिए। हमें कपड़े को बिल्कुल बराबर से करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने इसको रख लिया अच्छे से बराबर करके, और जो हमारी इसकी लेंथ होगी वो मैंने 15 इंच रखी है। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो। तो जो हमारी लाइनिंग होती है वो जो मेन फैब्रिक से 2 से 3 इंच कम होती है। अब मैंने इसको 20 से अलग कर दिया है तो इसको मैंने थोड़ा छोटा ही कट किया है। फिर इसके भी 2 पल्ले मुझे मिल गए हैं दोनों पैरों के। अब इसी तरह से हमारा ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सेम जो कटिंग है उसको हमें अपने मेन फैब्रिक पे करनी है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें इस तरह से रखना है और फोर फोल्ड कर देना है, जिस तरह से हमने लाइनिंग को फोर फोल्ड किया था। तो अब मैंने यहाँ पे इसको भी फोर फोल्ड करके लाइनिंग को इसके ऊपर रख दिया है, और बिल्कुल जिस तरह से हमने इसको लाइनिंग पर कट किया था उसी तरह से हमें कहीं से भी कुछ ना बढ़ाते हुए बिल्कुल इसको कट कर देना है। बिल्कुल सेम जैसे हमारी लाइनिंग कट है उसी तरह से इसको भी। तो इसको मैंने कट कर दिया है। अब इसको भी मैं 20 से अलग कर दूंगी। तो ये इसके भी 2 पार्ट मेरे कट हो चुके हैं, इसके भी हमें 2 पल्ले मिल गए हैं। तो जैसा मैंने लाइनिंग में किया था ये कपड़े को रेक्टेंगल शेप में हमने फोल्ड किया था और 20 से उसको कट कर दिया था, लेकिन जो हमारी लाइनिंग थी वो थोड़ी छोटी मैंने कट की थी क्योंकि कपड़ा और लाइनिंग बराबर नहीं होते हैं। तो इसकी जो लेंथ होगी वो मैं थोड़ा 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा कर लूँगी और फिर उसके बाद में इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसमें 3 इंच और ऐड करके फिर उसके बाद में इसकी कटिंग की है। इसको 20 से 2 अलग पार्ट इसके किए हैं मैंने। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने उसमें शायद 15 इंच वहाँ पर लिया था और मैं यहाँ पर 19 इंच ले रही हूँ। तो मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया यहाँ पे। तो इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं, इसमें भी हमें दोनों पैरों के मिल गए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हमारे शरारे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।